हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि कल रात में आप लोगों की आंसर की जो है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की आ चुकी है, होपफुली आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर्स को मिला चुके होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो स्कोर होगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने अपने स्कोर को कम्युनिटी में, एक मैंने सर्वे के लिए एक कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें आप सभी लोग अपने अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिससे एक तरीके से कट ऑफ सर्वे में बहुत ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा। और तो और मैं आप लोगों का जो कट ऑफ वीडियो है, इस वीडियो के बाद में यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो कट ऑफ वीडियो होगा रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन पीजीटी टीचर्स के, ठीक है। तो आज का मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके आंसर की जो जारी हो गई, फाइनल आंसर की जो बोर्ड द्वारा जारी हुई है, उसमें आप लोगों के कितने मार्क्स जो हैं इंक्रीज हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो बोर्ड के सही हैं, वैसे आंसर सही उन्होंने दिया है, बट दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं डाउटेबल हैं जिसमें आप सभी लोग अपने चैलेंज कर सकते हैं और तीन से चार क्वेश्चन के ऊपर आप मार्क्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीन चार मार्क्स जो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है, बिकॉज जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं बहुत ही कम है, 11 वैकेंसीज़ हैं टोटल वैकेंसीज़, जिसमें मेरिट जो है बहुत हाई होने की भी चांसेस हैं। तो उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिनके एक मार्क्स दो मार्क्स से ही आप जो है रिटर्न के कट ऑफ से आप दूर हो सकते हो और इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आएगा। तो इसलिए तीन क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पर क्वेश्चन जो होता है आप लोगों का 3.4 मार्क्स होता है, तो इसलिए तीन क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 10 नंबर से ऊपर नंबर आपको मिल जाएगा। तो मेरे जो अनुसार जो है बहुत ही सटीक जो ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ कि इन क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिस पे आप कर सकते हो चैलेंज, तो वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप बी यह जो आंसर की है, यह क्वेश्चन पेपर जो है यह बी सेट है। अगर बी सेट का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, यहाँ पर 8 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है, यानी कि मसाज का पार्ट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो कैपिंग दिया है। देखिए फ्रेंड्स, स्लैपिंग कोई भी टाइप्स ऑफ मसाज नहीं होता है। जब आप ML कमलेश की बुक देखेंगे तो उसमें यह तीनों मसाज जो है मेंशन है, टैपिंग है, कपिंग है और हैकिंग है। यहाँ पर देखिए, अगर कैपिंग मान भी रहा है उसे कि यह जो मसाज का टाइप नहीं है, यदि स्पेलिंग का मिस्टेक दे रहा है कि कैपिंग जो है आपका मसाज का पार्ट नहीं है, तब भी गलत है। कैपिंग होता नहीं है फ्रेंड्स, एक्चुअली कपिंग होता है, और कपिंग तो होता है, ठीक है, नॉट दिया है, यहाँ पर कैपिंग लिख सकते हो, बट स्लैपिंग जो है, ये स्लैपिंग कोई थप्पड़ मारना जो है ये कोई मसाज नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। टैपिंग होता है, हैकिंग होता है, कपिंग होता है, बीटिंग होता है, बट स्लैपिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चैलेंज आप कर सकते हो और ML कमलेश की बुक को आप ऑथेंटिक कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी और भी फ्रेंड्स को डाउट है, बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने सही लगाया होगा कि कैपिंग करके लगाया होगा, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं ये सही आंसर है, बट मैं उनके भावना को मैं समझ सकता हूँ। बट यहाँ पर जिन्होंने इसको स्लैपिंग लगाया है उनका भी सही है। तो इस तरीके से अगर आप चैलेंज करेंगे तो हो सकता है कि बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को जो है ओमिट कर दे, यानी हटा दे, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट विल बी द स्टैगर डिस्टेंस फॉर सेकेंड लैन टीम इन 4x400 meters रिले रेस। देखिए फ्रेंड्स, चाहे रिले रेस हो चाहे 400 meter रेस हो, जो स्टैगर का डिस्टेंस होता है सभी के लिए सेम होता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो। तो इसमें जो सेकेंड लैन होता है उसमें जो आंसर की जो मारा दिया है, जो बोर्ड ने आंसर की माना है, वह माना है कि जो है इसका 10.57 माना है, ठीक है। बट एज पर जो बुक्स है उसमें यही लिखा है कि 7.04 meter जो होता है वो स्टैगर का डिस्टेंस होता है सेकेंड लेन का। इसको भी आप एक तरीके से चैलेंज कर सकते हो। यदि किसी फ्रेंड्स को अगर इससे ज़्यादा अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर जो है यहाँ पर देखिए, इस पे तो फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा आपको। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है प्रोपाउंडेड बाई अर्नेस्ट वी ऑकेन के द्वारा हुआ है, यह तो पूरा सही है। और ओल्ड मल जो ग्रेसलर का दिया है ये गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके, और यदि आपको यह नहीं मिल रहा है तो इसका जो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है मैं दे दूंगा, बुक्स का नाम भी दे दूंगा,
और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाई अर्नेस्ट वी ऑकन, ठीक है। तो इस तरीके से यह था तीन फ्रेंड्स जिसको आप दावे के साथ आप चैलेंज कर सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। आप ही मत सोचिए कि नहीं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, एक दो क्वेश्चन से आपकी जो है मेरिट में आप फॉल भी कर सकते हो, बिकॉज एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 1.4 मार्क्स है, 3.4 करेक्शन 3.4 मार्क्स है वन क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो इसलिए जो है जो मेरिट में देखिए, मेरिट का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कट ऑफ का जो वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वाला जो वीडियो है आज मिल जाएगा आप लोगों को, कट ऑफ का भी वीडियो कि कितना जो है कट ऑफ जाएगा। सो फ्रेंड्स यह था छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।